शासकीय महाविद्यालय बागली के स्थापना वर्ष 1989 से आज तक लापरवाही के चलते कला और वाणिज्य संकाय की प्रारंभ स्नातक कक्षाएं ही लगती हैं। महाविद्यालय में एमए और एमकॉम की कक्षाएं अभी तक प्रारंभ की नहीं की गई, जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में आदिवासी क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एमए एमकॉम की कक्षाएं नहीं लगने के कारण छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अन्य क्षेत्र में पढ़ाई करने जाना पड़ता है। स्नातक के बाद विद्यार्थी एमए एमकॉम के अभाव में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। वहीं मांग को लेकर सोमवार के दिन छात्र संगठन द्वारा महाविद्यालय बागली में एसडीएम कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रैली के रूप में सभी छात्र छात्राएं एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन बागली नायब तहसीलदार को दिया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला है? हमारी मांगे सभी छात्र संगठन की एक ही मांग है कि बागली कॉलेज में अभी तक एम ए एम कॉम की कक्षाएं प्रारंभ नहीं की। ये कहीं ना कहीं हमने 4 से 5 सालों से ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी पूर्व शिक्षा मंत्री को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं और हमारा छात्र संगठन पहले विधायक जी को भी ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर बागली विद्यालय परिसर में महाविद्यालय परिसर में लगभग आदिवासी अंचल से छात्र छात्राएँ हैं, तो वो ऐसे में अपनी पढ़ाई बाहर नहीं कर पाते। इसकी मांग इन्हीं मांग को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देंगे या फिर उग्र आंदोलन करेंगे। ये कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज में एमए और एमकॉम की क्लास प्रारंभ की जाए, क्योंकि बहुत से हमारे बागली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर से छात्र रोज पलायन को करना पड़ता है और जिसमें से लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होती है। फैमिली वाले अधिकतर पढ़ाई इसलिए छुड़वा देंगे क्योंकि आपको डेली अप डाउन करना पड़ेगा और अगर बागली में ही रहेगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? हलीमा पठान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।